अस्सलाम वालेकुम, आज हम डॉर्टमंड में और मेरे साथ ये यंग नौजवान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किराम इकबाल है जी, और ये यहाँ पे पैदा हुए हैं डॉर्टमंड में ही, पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारी है और अब मैनेजमेंट में बैचलर इन्होंने ख़त्म किया है। यार ये मुझे बताओ कि डॉर्टमंड में जो आप यहाँ पैदा हुए और यहाँ पे उर्दू सीखनी कितना टाइम लगा उर्दू सीखने में, या फ़ौरन से सीख ली थी या पंजाबी सीखी थी? अच्छा, मामा मेरी उर्दू बोलती है और मेरा पापा पंजाबी बोलता है और मैं ज़बान को मिक्स कर लेता हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन ये जो है मैंने पहले उर्दू सीखी थी, माँ बाप ने उर्दू सिखाई थी और बाद में मैं किंडरगार्टन में बाद में जर्मन ज़बान सीखी। बहुत मुझे खुशी है कि भाई आप यहाँ पैदा हुए लेकिन उर्दू आपने सीखी है, उर्दू की सीखी है। अच्छा, जो क्लास में जब जाते थे तो सारे लड़के जर्मन होते थे या दूसरे लड़कों लैंड्स के भी लोग होते थे, यानी कि तुर्की अरबी सारे? हाँ, जो मैं पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक वह ज़्यादातर थोड़े दूसरे मुल्कों के लोग थे, लेकिन जब क्लासें वद्दी होने लगी तो वहाँ बहुत तुर्की भी थे ये, और बोलिंग वो सारे सेम ही है, सारे सेम समझते हैं कि कोई नेशनलिटी। अच्छा, देखता ही, लेकिन ये है ना कि वो कुछ कहते नहीं थे कि तुम यार गोश्त नहीं खाते, हलाल खाने का मसला कुछ क्लास में मसला तो नहीं होता था? हाँ, मसला नहीं होता, कोई कोई मजाक से भी सारा कुछ लेते हैं ये और वो, और हम हर को हर चीज किसी को पता है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है कि दूसरे लड़कियाँ ज़्यादा छेड़ती तो नहीं थी? कोई नहीं, इतना खूबसूरत लड़का है।